हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की मेरी रेसिपी है खोपरा पेटिस। आज की रेसिपी के लिए ये मैंने चार आलू लिए हैं। आलू एकदम सूखे होना चाहिए और ये ध्यान रखना है हमें कि उबलते वक्त वो फटे ना, नहीं तो उनके अंदर पानी चला जाएगा। और हमें आज की रेसिपी के लिए ऐसे आलू चाहिए जिनमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए मैंने इन आलुओं को फ्रिज में रख दिया था। एकदम ठंडे आलू हैं ये। अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। अब इन आलुओं का पल्प हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। नमक डाल दूंगी मैं, सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है। अब मैं इसमें अरारोट डाल रही हूँ। अभी पहले मैं 4 चम्मच डालूंगी, फिर देखते हैं हमें कितने अरारोट की जरूरत है। अब देखिए, आलूओं में अरारोट मिलाकर हमने बहुत अच्छा डो बना लिया है। हल्का सा कॉर्नफ्लोर हम ऊपर छिड़क देंगे। ये देखिए, हमारा डो तैयार है। आज की रेसिपी में मैंने कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट का यूज किया है क्योंकि आज मेरा फास्ट है और फास्ट के लिए मैं ये पेटिस बना रही हूँ। एक्चुअली में जो अरारोट होता है वो एरोरूट नामक पौधे के कंद से तैयार किया जाता है। ये काम तो ठीक वैसा ही करता है जिस प्रकार से कॉर्नफ्लोर करता है, लेकिन एक बात बता दूं, इसकी जो बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। अब हम खोपरा पेटिस की स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने दोनों ही प्रकार के नारियल का यूज किया है। ये फ्रेश कोकोनट है, ये हम 4 चम्मच डाल देंगे। और 4 चम्मच ही हम जो ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है मार्केट में वो डाल रहे हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, कद्दूकस की हुई अदरक, थोड़ी सी किशमिश, बारीक कटे हुए काजू, ये सेंधा नमक लिया है मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसी के साथ खाने के लिए मैंने धनिया और पुदीना की चटनी बनाई है। अब इसे हम 1 चम्मच डाल देंगे। इसमें भी मैंने सेंधा नमक ही डाला है। और साथ ही साथ मैंने ये इमली की चटनी बनाई है, इसमें भी मैंने सेंधा नमक डाला है, इसे भी 2 चम्मच डाल देंगे। इससे हमारी स्टफिंग थोड़ी गीली भी हो जाएगी और इससे हमें भरने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अब इन स्टफिंग के हम गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम पैटिस को फ्राई करेंगे। हाथों में हम थोड़ा सा सूखा अरारोट लगा लेंगे। आसपास से हम थोड़ा पतला कर लेंगे, बीच से मोटा ही रहने देंगे। अब इसमें हम ये स्टफिंग रख देंगे। देखिए इस प्रकार से। इस प्रकार से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमें मीडियम से हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। इसे धीमी आंच पर बिल्कुल भी फ्राई मत करिए। इन्हें तलते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपस में चिपके ना। देखिए आप कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, ये का कितना सुंदर गुलाबी रंग आ गया है। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर से है क्रिस्पी करारे और अंदर से हैं खट्टे मीठे चटपटे। चलिए एक पेटिस आपको काट कर बताती हूँ मैं। बहुत बढ़िया स्टफिंग हुई है हमारी। अब हम इसे सर्व करते हैं। उसे हम हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। लाल से मेरा मतलब है खट्टी मीठी चटनी इमली की। ये खोपरा पेटिस मैंने इंदौर में सराफा बाजार में खाए हैं।
जो बाजार रात में लगता है, वहां पर यदि आप रात में पहुंचकर इन पेटीज को खा लें तो आपकी पूरी रात की नींद ही उड़ जाती है, इतने स्वादिष्ट होते हैं। और यदि गलती से नींद आ भी जाए तो रात भर आप इन्हीं के सपने देखती हैं। तो अब आप भी इन्हें बनाइए, और यदि आपको पसंद आती है ना मेरी रेसिपी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।